एंटरटेनमेंट कम टैलेंट हंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा इज बैक ऑन सोनी टीवी. दिस इज द फिफ्थ सीजन ऑफ द शो दैट विल बी जस्ट बाय म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक एंड कोरियोग्राफर फिल्म मेकर फराह खान, वाइल इट विल बी होस्टेड बाय कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक एंड टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह. वॉच अनु मलिक इंटरव्यू वेर ही टॉक्स अबाउट द न्यू एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द शो, कंटेस्टेंट्स एंड ऑल्सो हिज बॉन्डिंग विद फराह एंड अदर्स ऑन द शो. अनु मलिक सेज ही शेयर्स अ मैजिकल कॉम्बिनेशन विद फराह. क्या कुछ होने वाला है? बहुत कुछ. एक तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट तो ये है कि अढ़ाई साल बाद आ रहा है. वहाँ कृष्णा कुछ बोलता है, मैं कुछ बोलता हूँ तो वहाँ वो हंस हंस के गिर जाता है. वो कमाल की बात है, वो मेरी शायरी सुन के वो रिलेट ऐसा करता है तो वो बेहोश हो जाता है. वो कुछ बोलता है मैं हंसता हूँ. यहाँ फराह पहले एक अनु मलिक था, अब चार चार लोग आ गए. मोना भी हमारे इसमें आ गई है और फिर फराह भी मस्ती करती रहती है. कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट आते हैं जो हमारा मतलब हैरान भी कर देते हैं. सडनली फराह भी मस्ती की मूड में आती है, वो भी मुझे कुछ बोलती रहती है. क्या फराह क्या हम दोनों का जन्म जन्मांतर का साथ लगता है. वो क्या मेरा पीछे छोड़ रही नहीं, जन्म पिछले जन्म से आई मेरे पीछे. बल्कि वो बोलती रहती कि तू ऐसा बोलता है, मुझे लगता है तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है. लेकिन इन शॉर्ट इट्स अ मैजिकल कॉम्बिनेशन. मेरा और फराह का मैजिकल कॉम्बिनेशन है. जब भी हम साथ में आते हैं देयर इज मैजिक. वो कुछ भी चलता रहता है, बड़े हैं छोटे हैं कुछ भी चलता रहता है. मैं मुझे क्या है, पर्सनैलिटीज आते हैं, कोई भी आता है. मैं अपना स्टाइल जो है, मैं एंटरटेनर हूँ, मैं जनता को एंटरटेन करना चाहता हूँ. मुझे कोई कुछ भी बोले उस वक्त, कोई बोले, कोई बेहोश है मेरी शायरी सुने, कोई टिप्पणी करे, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं. मेरी जनता सामने मेरी नज़र आती है. मेरी जैसे आपके ज़रिए मेरी जनता मुझे सुन रही है, करेक्ट, मीडिया के ज़रिए. मुझे सिर्फ जनता से प्यार है, मुझे सिर्फ जनता का लगाव है. वो खुश होना चाहिए. वो घर पर जब आते हैं किसी ने सवाल अच्छा किया, व्हाट इज़ एंटरटेनमेंट टू यू, आप एंटरटेनमेंट, व्हाट इज़ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट मीन्स आप थके मानते जब घर पर आते हैं. वो आप भी हैं, आप भी सिर्फ जनता ही नहीं, आप भी जनता है, मैं भी जनता हूँ. आप जब थके मानते घर जाते हैं, आप वो देखना चाहते हैं जो आपको एंटरटेन करे. मैं समझता हूँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो इंसान की होती है, जहाँ फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, लोग जब आते हैं घर पर, वाइफ से प्यार मिलता है, हस्बैंड से प्यार मिलता है, बच्चों से प्यार मिलता है, उसके बाद वो जब रिमोट लेके बैठता है, ठड़क करके ऑन करके, मेरा दिमाग उस जनता पर जाता है कि मैं कोई ऐसा करूँ उसकी थकन दूर करूँ, वो मेरे पर हंसे, कोई गाली दे, कोई प्यार करे. मुझे जनता बहुत प्यार करती है. इतने साल सर्वाइव करना, यू कैन नॉट सर्वाइव. It has to be God and it has to be the people of India who love you. And I am there because लोग बोलते हैं हाँ यार कुछ भी बोलता है दिल से बोलता है. मेरी शायरियाँ प्लान नहीं होती हैं. अब आप मुझे बोलेंगे कुछ बोलो तो उस वक्त मैं क्या बोलूँ तो सडनली मैं बोल रहा हूँ क्या मेरी आवाज़ सुन. मैं अभी मैं ही बोल रहा हूँ. क्यों भाई क्या चल रहा है? सब बढ़िया. नहीं आपने ही बोला सब बढ़िया. मैं अभी शायरी कर रहा हूँ. क्यों भाई क्या चल रहा है? मेरी आवाज़ सुनकर मुझे देखकर क्यों आँखें मल रहा है? दिस इज माई वे. तो पीपल नो कि ये प्लान नहीं है. ये पीपल को पता लगता है कि ये दिल से निकली हुई है. अब वो लिख के लाए हैं, बैठे हैं, कोई बड़ी चीज़ सोच रहे हैं. पब्लिक डजंट लाइक दैट. पब्लिक बड़ी स्मार्ट है. कैरेक्टर था बख्शी अंकल ने गाना लिखा था, ये पब्लिक है, सब जानती है पब्लिक है. पब्लिक लव्स मी फॉर द वे आई एम एंड दैट्स द फन पार्ट. सभी इनफैक्ट कुछ कॉन्टेस्टेंट ऐसे थे कि हम लोग यहाँ खड़े होकर इसी मंच पर जो लोगों ने परफॉर्म किया, जिस मंच पर आप खड़ी हैं, ये हिस्टोरिकल जगह है, ये हमारा पाँचवा सीज़न है. ऐसा परफॉर्म किया है कि मैं वहाँ बैठा था, मैं खड़ा हो गया और जब तक उनका एक्ट चल रहा था, ये कैमरा पर होगा, मैं ताली बजाता जा रहा था. और भी आपने देखा होगा जजेस बैठते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं अलग अलग शोज. मैंने शायरी शुरू की तो ये बीमारी जो आप कहते हैं वो चारों तरफ अलग अलग चैनल पर भी चली गई है. अब तो मैंने कुछ किया एज अ जज, जहाँ मेरी टीम हैरान हो गई. मैंने मैं कूद गया स्टेज के ऊपर. मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की है वह सडनली पीपल फेल्ट कि ये जज ये भी कर सकता है, यू नो. सो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं. एंड जो एक्साइटमेंट मेरी बातों से आपको नजर आ रही होगी, इट विल जनरेट ऑन द शो ऑल्सो. आई एज अ जज हैव बीन वेरी एक्साइटेड. टैलेंट इज फैंटास्टिक. मेरा कृष्णा फराह और मोना का तालमेल बहुत ज़बरदस्त है एंड इतना अच्छे कलाकार आए हैं, उनको जज करते करते मज़ा आता है. बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट.